लेफ्ट साइड में अपने शरीर को मोड़ें और अपने हाथ को मैट से स्पर्श करें। इस आसन से हमारे कमर तथा काफ मसल मजबूत बनते हैं। अपने पाम को सामने की तरफ मोड़ते हुए यह आसन हमें फ्लैट फुट से निजात दिला सकता है। यदि किसी को पेट आदि उदर में सर्जरी हो रखी हो तो उसे यह आसन करते समय सावधानी बरतने की जरूरत है। श्वास भरते हुए अपने शरीर को सीधा करें और श्वास छोड़ते हुए अपने दोनों हाथों को समस्थिति में लेकर आएं, दोनों पैरों को मिलाएं, सामने की तरफ घूम जाएं और सभी अपने मैट पे बैठ जाएं। अपने दोनों पैरों को सीधा करें, दोनों हाथ पीछे की तरफ, अंगुलियां पीछे की तरफ, श्वास भरते हुए अपनी गर्दन को पीछे झुकाएं और विश्राम करें। देवियों और सज्जनों, योग करते समय योग के सही मुद्रा का होने का हमें ध्यान रखना चाहिए। ध्यानात्मक अवस्था में बैठे पद्मासन, सुखासन, अर्ध पद्मासन और वज्रासन। अपनी कमर और गर्दन सीधी रखें। अगला अभ्यास करेंगे पर्वतानासन और पिरामिड पोज। पर्वतानासन हमारे पांचवा आसन है, पर्वतानासन अथवा पिरामिड पोज करने में हमारी सहायता करता है। हमारे पेट की अतिरिक्त चर्बी को कम करता है। अगर किसी को लोअर बैक में कमर के निचले हिस्से में ज्यादा दर्द होता है उनको उत्तानपादासन सावधानी पूर्वक करना चाहिए। श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथ पैरों को एक साथ मिलाएं, दोनों हाथ अपने शरीर के बगल में। इस आसन की मुद्राएं कुछ इस प्रकार है। पैरों को सीधा रखें, श्वास भरते हुए अपने लेफ्ट पैर को 45 डिग्री उठाएं। यह आसन पेट की मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद करता है, पाचन संबंधित समस्याएं भी दूर करता है। पैर को वापस नीचे लेकर आएं, श्वास भरते हुए राइट पैर को धीरे धीरे ऊपर उठाएं 45 डिग्री। अपने टो को बाहर की तरफ खींचें, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने पैर को वापस नीचे लेकर आएं। दोहराते रहेंगे। अगला अभ्यास करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम अगला प्राणायाम है, अनुलोम विलोम को प्यूरिफाई करता है, शुद्धिकरण करता है, जिसे योगा में नाड़ी बोलते हैं। इसलिए इस प्राणायाम को नाड़ी शोधन प्राणायाम कहा जाता है। अपने इस प्राणायाम के अभ्यास से अनेक फायदे हैं, जैसे कि फेफड़े मजबूत बनते हैं, दमे की शिकायतों से काफी हद तक बचाव होती है, गठिया के लिए फायदेमंद है तथा पाचन तंत्र को दुरुस्त बनाता है। इस अभ्यास की मुद्राएं कुछ इस प्रकार हैं। नासिका से इधर से श्वास छोड़ें, यह क्रिया बार बार दोहराते रहें। इस प्राणायाम के अभ्यास से पूरे शरीर में शुद्ध ऑक्सीजन की आपूर्ति भी होती है।